Hello, in this video we are going to see a very important topic, which is ARM or Association Rule Mining. So ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डाटा माइनिंग टेक्निक है जो रिटेल के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है. सो ARM और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मार्केट बास्केट एनालिसिस, जिसको हम बोलते हैं MBA या फिर एफिनिटी एनालिसिस. नाउ द सेट ऑफ आइटम्स इन अ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड मार्केट बास्केट एंड इट इज़ मोस्टली यूज इन रिटेल सेक्टर. ठीक है, सो एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे, थोड़ा तो आपको क्लियर होगा कि एसोसिएशन रूल माइनिंग बेसिकली है क्या हम और कैसे इसमें हम काम करते हैं. सो अगर हम कहते हैं, बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, वी जनरेट सर्टेन रूल्स हेयर. जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि अगर मैंने एक प्रोडक्ट खरीदा ए और उसके बाद मैंने खरीदा एक प्रोडक्ट बी, तो हम कह रहे हैं इफ ए देन बी. तो हम लिखेंगे इस तरह से, ए एरो बी. तो इसमें जो ए होगा इसको बोलेंगे एंटीसीडेंट, नॉमन क्लेचर है एंटीसीडेंट, और जो बी होगा इसको हम बोलेंगे कॉन्सिक्वेंट. मतलब ए के बाद मैं बी खरीदता हूँ तो हम इसको इस तरह से एक रूल जनरेट करेंगे. नाउ देर आर टू मेन टर्म्स विच आर यूज्ड इन ARM. वन इज सपोर्ट एंड अनदर इज कॉन्फिडेंस. सपोर्ट को हम डिनोट करते हैं एस से, कॉन्फिडेंस को डिनोट करते हैं सी से. सपोर्ट क्या होता है, इट इज़ द परसेंटेज ऑफ ट्रांजेक्शन दैट कंटेन्स बोथ ए एंड बी. अगर हम दो डिफरेंट डाटा आइटम्स की बात कर रहे हैं ए और बी, तो परसेंटेज ऑफ ट्रांजेक्शन्स, टोटल अगर 10 ट्रांजेक्शन हुई हैं और उनमें से अगर 5 में ए और बी दोनों हैं, तो हम क्या कहेंगे, परसेंटेज ऑफ ट्रांजेक्शन दैट कंटेन्स बोथ ए एंड बी. सो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रॉबेबिलिटी ऑफ बोथ ए एंड बी. और इसको हम बोलते हैं इट इज़ एन मेजर, और इट मेजर्स द फ्रिक्वेंसी ऑफ एन एसोसिएशन. दो आइटम्स की एसोसिएशन जो कि ए और बी की एसोसिएशन, उसकी फ्रिक्वेंसी को मेजर कर रहे हैं. सो इट मेजर्स द फ्रिक्वेंसी ऑफ एसोसिएशन. ठीक है, देन द सेकेंड टर्म इज कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस क्या है, इन ए ट्रांजेक्शन सेट टी इफ सी इज द परसेंटेज ऑफ टाइम्स बी इज प्रेजेंट इन ऑल द ट्रांजेक्शंस कंटेनिंग ए. मतलब कॉन्फिडेंस क्या कह रहा है कि ऐसी कौन कौन सी है, कितनी ट्रांजेक्शन है जिसमें ए था और बी भी था. सो इट इज़ द परसेंटेज ऑफ टाइम्स बी इज प्रेजेंट इन ऑल द ट्रांजेक्शंस कंटेनिंग ए. और इसको हम बेसिकली निकालते हैं विद द फॉर्मूला ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. सो इट इज़ एन फॉर्मूला ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. ठीक है, जो कि क्या है, पी बी ए की, बी की होने की जब ए है, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी ऑफ ए. सो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, जैसे कि आपको मैथ्स के अंदर पता होगा, दैट इज पी ए इंटरसेक्शन बी जब दोनों प्रेजेंट हैं और कब, ए के होने के बाद. सो इट शोज द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन. सो कॉन्फिडेंस क्या शो करता है, स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन. और सपोर्ट क्या शो करता है, इट मेजर्स द फ्रिक्वेंसी ऑफ एसोसिएशन. सो इट मेजर्स द फ्रिक्वेंसी और यहाँ पे क्या आ गई, स्ट्रेंथ. ठीक है, सो दिस इज स्ट्रेंथ. इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ, स्ट्रेंथ. सो दो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस. नाउ देर आर टू पैरामीटर्स. वन पैरामीटर इज फाइंडिंग ऑल द आइटम्स डेट अपीयर फ्रिक्वेंटली इन ट्रांजेक्शन. सो दो पैरामीटर हैं ARM को अप्लाई करने के लिए. वन इज फाइंडिंग ऑल आइटम्स दैट अपीयर्स फ्रिक्वेंटली इन ट्रांजेक्शन. ठीक है, सो इसको करने के लिए हम मिनिमम सपोर्ट काउंट का यूज़ करते हैं, कि हमें एक मिनिमम सपोर्ट काउंट दे दिया जाता है और उससे कम के ट्रांजेक्शन्स को हम कंसिडर नहीं करते. देन सेकेंड इज़ फाइंडिंग स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन अमंग फ्रिक्वेंट आइटम्स. फाइंडिंग स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन अमंग फ्रिक्वेंट आइटम्स. और इसको करने के लिए हमारे पास एक कॉन्फिडेंस की वैल्यू होती है.
ठीक है। सो ये दो पैरामीटर्स हैं जिसको हम फाइंड करते हैं फॉर एसोसिएशन रूल माइनिंग। नाउ लेट अस डिस्कस सम ऑफ द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ एआरएम। वन इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है कि लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अपीयरेंस को डिटरमाइन करना इतना आसान नहीं होता, एंड फाइंडिंग द स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन अमंग फ्रिक्वेंट आइटम्स। सो ये दो प्रॉब्लम्स हैं। देन फंक्शन क्या क्या है एआरएम के? फाइंडिंग सेट ऑफ आइटम्स डेट हैज सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। अब ऐसे आइटम्स को फाइंड करना जिससे बिजनेस पे इम्पैक्ट हो, मतलब कि अगर आपने ऐसे आइटम्स फाइंड किए जिसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। देन कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम न्यूमरस ट्रांजेक्शन। बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, लैक्स ऑफ करोड्स ऑफ ट्रांजेक्शन होती है, उसमें से सारी ट्रांजेक्शन से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना। एंड जनरेटिंग रूल्स फ्रॉम काउंट्स इन ट्रांजेक्शन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि रूल्स को जनरेट करना। स्ट्रेंथ क्या है एआरएम की? इजी टू इंटरप्रेट, क्योंकि हम रूल्स जनरेट कर देते हैं, इजी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर रूल्स होते हैं, स्टार्ट करना इजी होता है। यू कैन हैव अ फ्लेक्सिबल डेटा फॉर्मेट्स एंड इट इज़ वेरी सिंपल टू यूज़। देन वीकनेस इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन कंप्यूटेशन। जैसे जैसे ट्रांजेक्शन्स बढ़ती हैं तो एक्सपोनेंशियली आपके कॉम्बिनेशन बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें देखो क्या होता है कि अगर आपके पास फोर आइटम्स हैं, लेट अस से आइटम नंबर 1, 2, 3 एंड 4, तो इसमें हम एन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बना सकते हैं कि आइटम नंबर 1 और 2 इकट्ठे लिया गया, या आइटम नंबर 1 और 3 इकट्ठे लिया गया, या आइटम नंबर 1, 2 और 3 इकट्ठे लिया गया। सो देर कैन बी मैनी कॉम्बिनेशन। देन लंपिंग होता है। रूल सिलेक्शन एक थोड़ी सी वीकनेस है कि कौन सा रूल हम सिलेक्ट करें फॉर जनरेटिंग द फर्दर रूल्स, एंड रेयर आइटम्स के लिए ये ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं होता। इट इज़ मोस्ट एप्लीकेबल फॉर फ्रिक्वेंट आइटम सेट्स। ठीक है, नाउ लेट अस सी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाटा माइनिंग एल्गोरिदम विच इज बेस्ड ऑन एआरएम, एंड दैट इज अप्रायोरी एल्गोरिदम। सो अब देखते हैं अप्रायोरी एल्गोरिदम के बारे में। सो द अप्रायोरी एल्गोरिदम के अंदर क्या होता है? द आइडिया इज टू जनरेट द कैंडिडेट आइटम सेट्स ऑफ ए गिवन साइज एंड देन स्कैन द डाटा सेट टू चेक इफ देयर काउंट्स आर रियली लार्ज। और जो पूरा प्रोसेस है ये इटरेटिव होता है। तो यहाँ पे मैंने इसके स्टेप्स लिखे हुए हैं, और पूरा जो अप्रायोरी एल्गोरिदम है कैसे सॉल्व होता है उसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो लेक्चर सीरीज़ बनाई हुई है। सो उसके वीडियोस के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं कि कैसे हम पूरा अप्रायोरी को अप्लाई करते हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। सो यहाँ पे सिंपल हम देखते हैं प्लेन इंग्लिश में कि क्या होता है। सो इन दिस द ऑल द सिंगलटन आइटम, जो कि सिंगल हैं शुरू में, सिंगलटन आइटम्स आर कैंडिडेट्स इन द फर्स्ट पास। एनी आइटम्स विद लेस देन स्पेसिफाइड सपोर्ट वैल्यू इज एलिमिनेटेड। ये इंपॉर्टेंट है कि कोई भी आइटम जिसकी लेस देन स्पेसिफाइड सपोर्ट वैल्यू उसको एलिमिनेट कर देते हैं। देन हम टू मेंबर सेट बनाते हैं, थ्री मेंबर सेट बनाते हैं, एंड वी कीप ऑन मेकिंग द एन नंबर ऑफ मेंबर सेट जितने हमारे बन सकते हैं। देन द फ्रिक्वेंट आइटम सेट्स कॉन्स्टिट्यूट सेट ऑफ फ्रिक्वेंट आइटम्स, एंड वी जनरेट द एसोसिएशन रूल्स विच हैविंग अ कॉन्फिडेंस वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू द स्पेसिफाइड कॉन्फिडेंस वैल्यू। सो दिस इज अप्रायोरी। फॉर न्यूमेरिकल्स यू कैन रेफर द वीडियो लिंक विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। एक सिंपल सा सैम्पल हम देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो हमारे पास सपोज ये चार ट्रांजेक्शन गिवन है, यहाँ पे ये आइटम सेट गिवन है। इसका मतलब क्या है कि ट्रांजेक्शन वन में आइटम 2 और 3 खरीदे गए, ट्रांजेक्शन टू में आइटम 1, 3, 5 लिए गए, ट्रांजेक्शन थ्री में 1, 2, 4 और ट्रांजेक्शन फोर में 2 एंड 3। तो अगर मैं इनका लिखता हूँ काउंट, और काउंट क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सपोर्ट वैल्यू। तो आइटम कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो वन आइटम कितनी बार लिया गया? 2 बार, सो इसका सपोर्ट हो गया 2। टू आइटम कितनी बार लिया गया? 1, 2, 3, तो इसका सपोर्ट हो गया 3। आइटम थ्री कितनी बार लिया गया? 1, 2, 3। आइटम फोर कितनी बार लिया गया? 1 बार। और आइटम फाइव कितनी बार लिया गया? 1 बार। ठीक है, नाउ अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरा मिनिमम सपोर्ट 2 होना चाहिए, सो लेट अस से मिनिमम सपोर्ट वैल्यू इज 2। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से 2 को हम एलिमिनेट कर देंगे जो है 4 और 5। सो दे आर एलिमिनेटेड। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड पास की। इसके बाद अब हमारे पास कितने आइटम हैं? 1, 2 और 3। ठीक है,
So then we will create the item sets. आइटम सेट्स कौन कौन से बनेंगे? वन और टू बन सकते हैं, वन और थ्री बन सकते हैं, और टू और थ्री बन सकते हैं. हमने टू टू आइटम के सेट यहाँ पे क्रिएट किए. नाउ राइट द सपोर्ट ऑफ दिस टू, कि वन और टू इकट्ठे कितनी बार लिए गए? एक बार. वन और थ्री इकट्ठे कितने बार लिए गए? एक बार. टू और थ्री इकट्ठे कितनी बार लिए गए? एक दो बार. सो अगेन मिनिमम सपोर्ट इज टू. तो ये दो आइटम सेट आपके एलिमिनेट हो जाएंगे. सो दीज आर अगेन एलिमिनेटेड. तो फाइनली आपको जो आइटम सेट मिला वो क्या मिला? टू एंड थ्री विद द सपोर्ट वैल्यू ऑफ टू. तो इस तरह से हम जनरेट करते हैं सपोर्ट एंड अदर रूल्स. So this is how the apriori works. For the complete numerical part, you can refer the video which is given in the description section. So this is all for this particular video lecture. Thank you for watching the video. Please subscribe to my YouTube channel for more such tutorials. Thank you.